है हमारा लेक्चर टू सिक्सटी और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर ग्रेविटेशन सो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम हैं पेज पेज नंबर वन थर्टी सेवन आपकी एन सी आर टी की टेक्स्ट बुक में इससे पहले हमारे uh, दो लेक्चर्स इस चैप्टर के ऊपर हो गए ऑलरेडी सो वी आर स्टार्टिंग विद मास सो आज का टॉपिक मास है वी आर स्टार्टिंग विद इट सो मास क्या है सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया सो so, जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो उसके इनर्शिया का मेजर है अच्छा ये आपने दे इनर्शिया वर्ड आपने कहा देखा था ये इनर्शिया वर्ड आप ऑलरेडी देख के मोशन चैप्टर के अंदर सो वॉट डू मीन बाय इनर्शिया मीन्स की बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन सो इसे कहते हैं इनर्शिया मतलब बॉडी रेस्ट में है खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी मोशन में है, तो मोशन ही रहेगी मतलब the ऑफ एन ऑब्जेक्ट object रेसिस्ट resists changes इन इट्स मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन चाहता ही नहीं है वो चेंज ही नहीं करता है खुद को सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ठीक है सो ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो कि भाई बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट एट बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्जिया होगा इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ मून और इवन इन द आउटर स्पेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो मास जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इनर्शिया मतलब इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया और आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया ठीक है मतलब उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा चेंज नहीं करेगा अपनी पोजीशन इट रिमेंस द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ द मून और इवन इन द आउटर स्पेस जो मास है वो सेम रहता है कहीं पे भी आप बॉडी का मास करो सो so, मास रिमेन्स द सेम चाहे आप अर्थ पे करो मून पे करो कहीं स्पेस पे जाके करो मास रिमेन्स द सेम दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट मास क्या है कॉन्स्टेंट होता है और जगह से वो नहीं बदलता ठीक है so, सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इनर्शिया का मेजर होता है और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया और हर जगह ये सेम रहता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट मास अभी हम वेट के बारे में पढ़ेंगे सो so मे बी आपको लगेगा मास एंड वेट आर द सेम थिंग्स बट नो दे आर नॉट सो वेट में अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ठीक है सो यू नो दैट वेरी वेल कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स के साथ ऑब्वियसली आपने पढ़ा है अभी अभी सो अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विदर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासजेक्ट एंड द एसे ड्यू टू ग्रेविटी जी सो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ और ये फोर्स डिपेंड करता है मास और ग्रेविटी पे ठीक है अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद द फोर्स और फोर्स डिपेंड करता है मास पे ग्रेविटी पे सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सो वेट क्या है वेट एक्चुअली फोर्स ही है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोर्स ही है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ठीक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुअर्ड द अर्थ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए ऑलरेडी आपको पता है न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी ए की जगह क्या हो जाएगा जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है सो जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है it is denoted by w. so substituting the same in equation 10.14, yeah, f is equal to mg tha, to uski jaghe, F, ki kya ho gaya w. so weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. the si unit of weight is same as that of force, that is newton. the weight is a force acting vertically downwards. it has both magnitude and direction. so if it's a वेट क्या होता है सो so, आपको पता है अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स के साथ एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है और ये फोर्स डिपेंड करता है मास एम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे द फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स डिपेंड करता है एम ठीक है एंड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द अर्थ सो वेट क्या है एग्जैक्टली exactly? फोर्स ही है वेट क्या है एग्जैक्टली exactly? फोर्स ही है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए सो बट क्योंकि यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है अर्थ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा जी से ठीक है सो ए जी से रिप्लेस होगा तो एफ इज इक्वल टू एम जी सो so, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहलाता है फोर्स वेट भी कहलाता है और इसे डिनोट करा जाता है डब्ल्यू से सो so, एफ की जगह डब्ल्यू एम जी डाला सो एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुअर्ड्स दर्ट दूनिट ऑफ वेट इज सेम टैथ ऑफ फोर्स सो क्योंकि वेट फोर्स के ही बराबर है तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट भी फोर्स के बराबर होगा की न्यूटन होगा ठीक है द वेट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स इट जो फोर्स का वेट वेट uh, क्या है फोर्स ही है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है डायरेक्शन आपको पता है मैग्नीट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ठीक है सो फिर से वेट क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ठीक है W इज इकल टू एम जी सो वेट इज द फोर्स वेट फोर्स ही होता है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ठीक है वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द अर्थ वेट इज द फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्स द अर्थ अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होगी न्यूटन क्यों क्योंकि ये फोर्स ही तो है सो ये चीज याद रखने की है ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन है ठीक है सो so, वेट के बारे में आप ये लिखेंगे फिर एफ इजिकल टू एम एफ इजिकल टू एम जी डब्ल्यू इजिकल टू एम जी ठीक है और इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू ठीक है सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्स द अर्थ दूनिट ऑफ वेट इज द सेम इन दैट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन ठीक है अच्छा आपको पता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो हर जगह कॉन्स्टेंट रहती है हमने निकाला भी था जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वैल्यू ऑफ जी हर जगह कॉन्स्टेंट रहती है सो देर फोर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मास जी तो कॉन्स्टेंट है तो वेट किसके प्रोपोर्शनल होगा मास के द वैल्यू ऑफ इज जीटेंट एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इज प्रोपोर्शनल टू एम इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स मास द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एवरीवेयर दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लान सो अगर मैं आपको बोलूं मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन बताओ तो आप क्या बोलोगे कि uh, मा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेंस सेम हर जगह सेम रहता है मास ये आपको पता है ऊपर पड़ा अर्थ पे प्लानिट पे कहीं पे भी जबकि वेट का क्या है वेयर इज इट्स वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन वेट मतलब लोकेशन पे डिपेंड करता है मतलब अगर आप अगर स्पेस में हो तो अलग वेट होगा अब मून पे अलग वेट होगा अर्थ पे है अलग वेट होगा ठीक है पर मास है वो सेम होता है कांस्टेंट होता है एवरीवेयर ठीक है so, सो वेट के बारे में हमने क्या पढ़ा वेट एक्चुअली फोर्स ही है ठीक है जो अट्रैक्शन का फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगता है ठीक है सो एफ इजल एन जी हुआ सो so, एफ की जगह हमने क्या करा डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया इसको ठीक है एफ की जगह डब्ल्यू से हमने रिप्लेस किया अच्छा ये न्यूटन है ऐसा यूनिट ऑफ वेट न्यूटन होता है और जी जो है हर जगह कांस्टेंट होता है सो so, इसलिए कि, ए, किसी भी जगह पे वेट जो है डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है मास डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम मास हर जगह सेम रहता है जबकि वेट है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट वेट ठीक है अगर ये था मास मास क्या है मास है इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया मतलब वो बॉडी का बॉडी रिमेन्स बॉडी एट्रेस रिमेन्स रेस्ट बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन वो सो so, मास एक्चुअली मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया है ठीक है जितना ज्यादा मास उतना बड़ा इनर्शिया ठीक है और ये कांस्टेंट रहता है चेंज नहीं होता है बॉडी के मास चेंज नहीं होता जबकि वेट क्या है वेट एक्चुअली फोर्स है जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ठीक so है सो so फोर्स uh, है सो क्योंकि एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सो जी सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है सो तो जी तो कांस्टेंट होता है सो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम ठीक है सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास सो so, बच्चों अभी हम देखेंगे हमने मास और वेट देखा मास और वेट का डिफरेंस भी देखा कि भाई जो मास है सेम होता है सब जगह और वेट होता है लोकेशन के हिसाब से बदलता है भाई जैसी लोकेशन वैसा मतलब वैसा वेट हो जाता है क्योंकि जी लोकेशन पे डिपेंड करता है एक्सलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी लोकेशन पर डिपेंड करता है ठीक है सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होता है सो so, आपको ऑलरेडी पता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है फोर्स के बराबर सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट ठीक है सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ पे फोर्स होता है जिससे वो अर्थ जिससे अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को वेट किसके बराबर होता है फोर्स के जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को सो so, उसी तरह से इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून उसी तरह से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रेक्ट द ऑब्जेक्ट बात समझो अगर मैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बोलती हूं तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमारा टॉपिक क्या है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मून पे ऑब्जेक्ट का वेट तो अगर मैं बोलती हूं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अर्थ पे जो वेट ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो उस फोर्स के बराबर होता है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को ठीक है उसी तरह से जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है मून पे वेट का ऑब्जेक्ट मून uh, पे ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो फोर्स के बराबर होता है जिससे मून अट्रैक्ट करता है सो so, जो पहली वाली डेफिनेशन थी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वहां पे अर्थ की जगह क्या हो जाएगा मून द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ ठीक है मून का मास जो है अर्थ से कम है वो तो आपको पता है अर्थ ज्यादा भारी है मून इज मच मास ऑफ मून इज मच लेस सो मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स और यही कारण है कि मून जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है ऑब्जेक्ट पे ठीक है क्योंकि उसका मास कम है मास कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम सो ट्यू टू दिस द मून एक्सेप्ट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट ठीक है सो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास है एम लेट इट्स वेट ऑन द मून बी डब्ल्यू एम ठीक है वेट डब्ल्यू मास है एम और वेट क्योंकि मून पे है सो so डब्ल्यू और नीचे हम एम लिखेंगे लेट द मास ऑफ द मून मून का मास सो एम और उसके नीचे एम सो मास ऑफ द मून एंड इट्स रेडियस तो रेडियस ऑफ द मून आर और नीचे एम सो रेडियस आर एम ठीक है सो अभी हम मून uh, पे वेट ऑफ वेट ऑन द मून निकाल रहे हैं ठीक है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेट मासन बी डब्ल्यू एम लेट द मास ऑफ द मून बी एम एम एंड इट्स रेडियस बी आर एम बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम क्या लगाएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी सो ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम एम मल्टीप्लाई एम अपॉन आर एम स्क्वायर ठीक है सो यहाँ फॉर्मूला क्या था एफ इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर सो so, यहाँ W के नीचे हम M रखेंगे M के नीचे M क्यों क्योंकि मून है ठीक है सो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून ठीक है so, सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून का फॉर्मूला है W G एम एम अच्छा ये एम एम क्यू है सो so, मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून मल्टीप्लाई एम अपॉन आर एम स्क्वायर ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और एम mm एम क्या है मास मास ऑफ द मून है मास ऑफ द मून मास ऑफ द मून एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एम स्क्वायर ठीक है अच्छा अगर आप ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला सीखी थी आपकी दिस इज द फॉर्मूला ठीक है ये था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का था हमारा फॉर्मूला सो so, ये फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम है मास ऑफ द अर्थ एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और डी है डिस्टेंस ठीक है so, सो फिर आगे जाके हमने इसको आर से कन्वर्ट कर लिया था ये रहा ठीक है so, सो ठीक है so, सो यहाँ फिर लास्ट में हमने आर्ट से कन्वर्ट कर लिया था सो so, यहां पे हमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून निकालना है सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू जी मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर एम स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ द मून ठीक है वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू ई द मास ऑफ अर्थ इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर अच्छा अब हम देखेंगे अभी आपको पता लगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या है वेट ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू जी मास ऑफ मून मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ठीक है सो ये फॉर्मूला है हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून सो बच्चों अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ठीक है सो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मतलब मून पे जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून सो डब्ल्यू एम सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डब्ल्यू एम एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई ठीक है सो अब हम क्या करेंगे कैसे रिलेशनशिप फाइंड करेंगे हमें रिलेशन फाइंड करनी है डब्ल्यू एम और डब्ल्यू ई -E के बीच में ठीक है so, सो कैसे फाइंड करेंगे सो so, सबसे पहले हमें डब्ल्यू एम ठीक है सो आंसर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा डब्ल्यू एम ठीक है सो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ठीक है सो ये इक्वेशन बनी हमारी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून की ठीक है अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज डब्ल्यू सो कैसे निकालेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ठीक है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ठीक है सो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हुआ ठीक है सो ये सेकेंड हुआ ठीक है अच्छा अब हम क्या करेंगे दोनों का रेशियो रेशियो वन अपॉन रेशियो टू ठीक है हमें क्या फाइंड करना है इन दोनों के बीच का रिलेशन सो so, रेशियो लेंगे नाउ टेकिंग रेशियो सो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन मल्टीप्लाई एम अपॉन आर एम स्क्वायर अपॉन जी एम ई ठीक है जी एम ई मल्टीप्लाई एम अपॉन आर ई स्क्वायर ठीक है सो हम क्या करेंगे जो कर, अभी यहां देखो देखो अपॉन का भी अपॉन है देखो ये अपॉन में है फिर मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो रूल क्या है जब भी अपॉन का अपॉन हो ना तो ये ऊपर जाता है ना तो क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा मतलब ये जब ऊपर जाएगा ना रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है सो देर फोर डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू ये तो ऐसा कैसा रहेगा ऊपर वाला सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एम अपॉन स्क्वायर ये है ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ठीक है सो आर स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे कट शॉर्ट जी के साथ जी कैंसिल हुआ एम के साथ एम कैंसिल हुआ ठीक है रहा क्या रहा मास ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ अच्छा मास ऑफ अर्थ क्या है मास ऑफ मून क्या है रेडियस ऑफ अर्थ क्या है रेडियस ऑफ मून क्या है तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए तब भी आप इसको सब्सटीट्यूट कर पाओगे नाउ मास ऑफ मून क्या है सबसे पहले मास ऑफ मास ऑफ अर्थ सो मास है मास ऑफ अर्थ है into 10 raise to 24 kg. ये आपको पता होना चाहिए कि इतना मास है हमारे अर्थ का फाइव पॉइंट नाइन एट इंटू टेन एस टू ट्वेंटी फोर के जी अच्छा मास ऑफ मून क्या है सो मास ऑफ मून सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी टू के जी तो आप देख सकते हो इसका मास कम है ये देखो टेन एस टू ट्वेंटी फोर है ये टेन एस टू ट्वेंटी टू ऑबली मास ऑफ मून इज लेस ठीक है इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ सो रेडियस ऑफ अर्थ अर्थ का रेडियस या डिस्टेंस क्या है सो so, अर्थ का रेडियस है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू सिक्स ठीक है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन एज टू सिक्स मीटर और रेडियस ऑफ मून क्या है वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर अच्छा अब हम क्या करेंगे सो वेट ऑफ मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम 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 की जगह कौन सी वैल्यू डालेंगे ये सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी टू मल्टीप्लाय रेडियस ऑफ अर्थ का सो रेडियस ऑफ अर्थ है ये सो सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन एच टू सिक्स का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मतलब रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मून का स्क्वायर सो वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन एच टू सिक्स का स्क्वायर मास ऑफ द अर्थ सो मास ऑफ द अर्थ क्या है फाइव पॉइंट नाइन एट मल्टीप्लाई टेन एज टू ट्वेंटी फोर सिंपली मैंने वैल्यू से सब्सिट्यूट करी अब क्या करूंगी सॉल्विंग कैसे सोल्विंग करूंगी सो जस सी टू इट 7.36 मल्टीप्लाई 10 है तू 22 अच्छा इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ठीक है 6.37 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 तो जा 12 सो so, 10 है तू 12 इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ठीक है सो 1.74 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 है तू 6 का स्क्वायर सो 10 6 तो जा 12 फाइव पॉइंट नाइन एट मल्टीप्लाय टेन टू ट्वेंटी फोर ठीक है अच्छा आप ध्यान से देखो सो ये टेन एस टू ट्वेल्व टेन एस टू ट्वेल्व कैंसिल हुआ ठीक है सो अब क्या रहेगा सो सेवन पॉइंट थ्री सिक्स अच्छा ये टेन रेस टू ट्वेंटी टू है ये टेन एज टू ट्वेंटी फोर है सो क्या करोगे ट्वेंटी टू नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ठीक है पावर क्या होगा माइनस होगा आपको पता होगा माइनस होता है दो मल्टीप्लायन अपॉन सेवन सेवन फोर मल्टीप्लाय एट ठीक है 1 .74, 1 .74 और ये टेन एस टू ट्वेंटी फोर में से टेन एस टू टू गए टेन एस टू ट्वेंटी फोर माइनस टेन एज टू टू ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी टू तो क्या बचा टेन एस टू टू बचा सो so, अच्छा यहाँ देखो पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर पॉइंट के बाद दो नंबर मतलब टोटल पॉइंट के बाद छह नंबर पॉइंट के बाद दो पॉइंट के बाद दो पॉइंट के बाद दो मतलब टोटल छह सबकी पॉइंट उड़ जाएगी क्यों क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो अपॉन हंड्रेड पॉइंट हटाओगे अपॉन हंड्रेड सो इस तरह से सबकी पॉइंट उड़ जाएगी सो अब हम क्या करेंगे सेवन थर्टी सिक्स सिक्स थर्टी सेवन सिक्स थर्टी सेवन वन सेवनटी फोर वन सेवनटी फोर फाइव नाइनटी एट और ये टेन एस टू ट्वेंटी फोर में से टेन एज टू ट्वेंटी टू गए तो ओनली टेन एस टू टू बचे ठीक है अच्छा अब हम क्या करेंगे सो so, सिंपली जो ऊपर है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे है इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सो बच्चों अब क्या करेंगे थोड़ा सा कट शॉर्ट करते शायद थोड़ा आसान हो जाए सो so, यहाँ देखो टू एट जा सिक्सटीन टू सेवन जाए फोर्टीन है टू थ्री जा सिक्स है वन टू सिक्स जा ट्वेल्व टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स जा टू एट जा सिक्सटीन है फिर यहाँ देखो ये भी है सो टू एट जा सिक्सटीन टू सेवन जा फोर्टीन फिर से यहाँ कट शॉर्ट करेंगे टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन टू फोर जा एट ठीक है फिर से कट शॉर्ट करेंगे टू टू जा फोर टू नाइन जा एटीन टू नाइन जा एटीन टू नाइन जा एन टू टू जा 4, so, देखो, इतना हुआ, तो क्या रहा मल्टीप्लाई सिक्स टू नाइन नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड सो जो बच्चा है वो लिख लेते हैं सो नाइंटी टू मल्टीप्लाई सिक्स थर्टी सेवन मल्टीप्लाई सिक्स थर्टी सेवन अपॉन एटी सेवन मल्टीप्लाई एटी सेवन मल्टीप्लाई टू नाइनटी नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है सो अब हम क्या करेंगे सिंपली ये सबको सॉल्व करते हैं नाइन्टी टू सिक्स थर्टी सेवन सिक्स थर्टी सेवन क्या आंसर आएगा अभी कट शॉर्ट तो हो नहीं रहा है एटी सेवन एटी सेवन टू नाइन्टी नाइन क्या आंसर आएगा अच्छा मैं इस हंड्रेड को ऐसे ही रखती हूँ शायद कहीं काम आए पॉइंट लगाने में काम आए शायद ठीक है इनका मल्टीप्लाई करती हूँ और इनका भी बच्चों नहीं कर लेते हैं पहले कट शॉर्ट अगर कट शॉर्ट हो रहा है तो कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा लेंथी होगा नहीं तो टू फोर जा एट टू सिक्स जा ट्वेल्व टू फाइव जा टेन जीरो का जीरो फिर से टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स फिर से टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन ठीक है so, सो क्या रहा ट्वेंटी थ्री सिक्स थर्टी सेवन सिक्स थर्टी सेवन अपॉन एटी सेवन एटी सेवन टू नाइनटी नाइन ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी थ्री सिक्स थर्टी सेवन और ट्वेंटी फाइव सो बच्चों जब आप इनको सॉल्व करोगे ट्वेंटी थ्री सिक्स थर्टी सेवन सिक्स थर्टी सेवन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा नाइन थ्री थ्री टू सिक्स एट सेवन ठीक है अपॉन एटी सेवन को एटी सेवन से मल्टीप्लाई करोगे टू नाइनटी नाइन से फिर ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर so होगा फाइव सिक्स फाइव सेवन एट टू सेवन फाइव ठीक है अच्छा अब यहाँ देखो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात टर्म्स हैं मतलब सात नंबर्स हैं यहाँ एक दो तीन चार पांच छः सात आठ यहाँ आठ नंबर्स हैं ठीक है so, सो so सो जब आप इसका कट शॉर्ट करोगे ठीक है अगर आप इसका कट शॉर्ट कर रहे हो सो so यहाँ देखो नाइन थ्री थ्री टू सिक्स एट सेवन वन जा और ये होगा नाइन थ्री सिक्स सिक्स नाइन थ्री थ्री टू सिक्स एट सेवन सिक्स चार कैसे सो so, करके देखते हैं सो so, सपोज हम uh, इनका कट शॉर्ट कर रहे हैं ठीक है सो नाइन थ्री थ्री टू सिक्स एट सेवन सिक्स चार ठीक है सो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू सिक्स एट जा फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस फाइव फोर्टी वन फाइव सिक्स फाइव सेवन एट टू सेवन फाइव है ठीक है और ये है फाइव फाइव नाइन नाइन सिक्स मतलब ये करीब अप्रोक्स अप्रोक्स बोल सकते हो So, यहां पे अप्रॉक्स की साइन लगाएंगे कि अप्रॉक्स जब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे तो वन अपॉन सिक्स आएगा, ठीक है सो मतलब हमारा जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ उसका रेशियो क्या आया वन अपॉन सिक्स सो जो अर्थ पे अगर ऑब्जेक्ट है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून वन अपॉन्ट सिक्स टाइम्स होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के वन अपॉन सिक्स टाइम्स ठीक है सो so, मैं आप फिर से देख लो ये मैंने कैसे आपकी एन में इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है मैंने आपको करके दिखाया सो so, यहाँ देखें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ठीक है सो हमने चालू कैसे किया था हमने आ, पहले तो लिखे थे दोनों के वेट होते क्या हैं फॉर्मूला के हिसाब से सेटिंग से की थी हमने सो so, ये फॉर्मूला के हिसाब से सेटिंग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ रेशियो निकाला था ये रेशियो है ठीक है ये रेशियो निकालने के बाद ये ऊपर जाके हमने रेसी किया था ठीक है फिर ये कट शॉट हुआ फिर मास ऑफ अर्थ क्या होता है वो लिखा मास ऑफ मून क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है रेडियस ऑफ मून क्या होता है वो सब लिखा ठीक है वैल्यूज डाली हमने ठीक है सो वैल्यूज डालने के बाद सिंपली आपने आप देखें जो कट शॉर्ट हुआ आपने किया ठीक है सो जो भी कट शॉर्ट हुआ आपने किया सो वन अपॉन सिक्स सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वन अपॉन सिक्स ठीक है सो ये हमारा फाइनल आंसर तो ये आपको याद रखना है ये सम्स में काम आएगा कि जो इसे भी आप बोल सकते हो सो देयर देर फोर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मून इज वन अपॉन सिक्स टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ठीक है सो दिस इज द फाइनल सो कभी वन मार्क में भी आए तो आप लिख सकते हो कि मून में मून पे ऑब्जेक्ट का वेट वन अपॉन सिक्स टाइम्स होता है अर्थ के मतलब अर्थ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो उसका वन अपॉन्ट सिक्स टाइम्स होता है क्योंकि ऑब्वियसली मून का मास भी कम है सो so मून का ऑब्वियसली वेट भी कम होगा सो दिस इज अवर डेरिवेशन फॉर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ जो की आपको सम्स में जरूर काम आएगी बच्चों मैंने जो अभी अभी डेरिवेशन कराया आपको सो ये रहा आपकी एनसीआर टी के अंदर यहां से किया हुआ है इन्होंने सो यहाँ देखो ये इन्होंने अर्थ का मास रेडियस मून का मास रेडियस लिखा है फिर ये देखो इन्होंने मून का फॉर्मूला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लिखा है फिर यहाँ देखो जैसे मैंने थोड़ा सा मैथड थोड़ा आ, लंबा करा है कि आपको समझ आए थोड़ा यहाँ डायरेक्ट है बट समझ आ रहा है वैसा तो है पर तो मैंने ये खुद से कराया ठीक है सो यहाँ से जो यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ तक देखो मैंने ये आपको डिराइव भी कराया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स तो मैंने ये सारा डेरिवेशन भी कराया सो ये सारा यहाँ तक है ठीक है पर मैंने ये आपको करा दिया ठीक है सो so, अब हम पीछे देखते हैं ये पेज वन थर्टी सेवन था अब हम पीछे देखते हैं सो वन थर्टी सेवन पेज इसके बाद वन थर्टी एट पेज है सो दिस इज वन थर्टी एट पेज यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल्स हैं और फिर इंटेक्स क्वेश्चन हैं और इसके बाद टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर जो कि कैंसिल है आपका जो अभी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो कोरोना टाइम चल रहा है सो so, सी ने जो थर्टी परसेंट कट किया है स्टैंडर्ड नाइन्थ और स्टैंडर्ड टेंथ के अंदर सो स्टैंडर्ड नाइन्थ में थर्स्ट प्रेशर वाला टॉपिक कैंसिल है और ये देखें इस कंप्लीट टॉपिक मतलब यहाँ से सब कुछ कैंसिल है आपका फिर प्रेशर इन फ्लूड्स वाला टॉपिक आपका कैंसिल है फिर आपका बायसी फिर मतलब सब कुछ इसके बाद आर्किमिडीज सब कुछ आपका कैंसिल है पूरा मतलब आपका सिर्फ जो पोर्शन है इस बारी जो आप इस बारी दोगे कोरोना टाइम में जो आप पेपर दोगे सो यहाँ तक ही दोगे इस चैप्टर में ठीक है इसके बाद का सब कुछ कैंसिल है सो so, अब हम क्या करते हैं हमने अभी यहां तक जो पढ़ा हम इसके टेक्स्ट uh, क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है सो वी आर गोइंग टू सी टेक्स्ट क्वेश्चन अप टू दिस ठीक है सो इनटेक्स्ट क्वेश्चन या ब्लू प्रिंट क्वेश्चन देख लेते हैं सो टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये है हमारा पेज नंबर वन थर्टी फोर सो पेज नंबर वन थर्टी फोर पे क्वेश्चन वन स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लिखो क्वेश्चन टू राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो ये दो चीजें करनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लिखना एंड आपको लिखना है प्लीज Uh, ये आपको खुद से लिखना है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कहां से लिखना है एनसीईआरटी के अंदर ही था सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां से यहां तक ठीक है सो ये आपका स्टेटमेंट है ये है पेज नंबर वन थर्टी टू पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट एंड इसके बाद आपको क्या लिखना है इसके बाद लिखना है राइट द फॉर्मुला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आपको फॉर्मूला लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स का फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेट बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो आपको फॉर्मूला लिखना है फोर्स का सो so ये है आपका फोर्स का फॉर्मूला गया ये ठीक है ये वाला फॉर्मूला लिखना है ठीक है सो पहले ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप पेज नंबर 132 से ही ये स्टेटमेंट लिख दोगे ये ये जो लाइन है स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भले ही मैंने पहले कराया है फिर भी आपको लिखना है ब्लू है तो ये सारी लाइनें आपको लिख देनी है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स सो ये आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना है एंड इसके बाद सेकंड वाले में आपको ये फॉर्मूला लिख देनी है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है सो ये हुए हमारे दो ब्लू प्रिंट क्वेश्चन जो कि हैं पेज नंबर वन थर्टी फोर के अब हम आगे देखते हैं कोई और ब्लू प्रिंट क्वेश्चन सो ये है पेज वन थर्टी सिक्स पे वन थर्टी सिक्स पे है क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल व्हाट डू यू मीन बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो फ्री फॉल का मतलब क्या है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है सो इसका मतलब हमें आगे दिखने मिलेगा सो यहां से है फ्री फॉल का मतलब द अर्थ अट्रेक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वैन आई वेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल सो so, ये फ्री फॉल के डेफिने ये फ्री फॉल के लिए आपको लिखना है सो so, ये है पेज वन थर्टी फोर के अंदर कि अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते हैं इस फोर्स की वजह से सो हम बोल सकते बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल है ठीक है ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल फ्रीली फॉल कर रहे हैं अच्छा नेक्स्ट आपको क्या करना है नेक्स्ट है आपका वर्ट डू यू मीन बाय एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका आंसर लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे सो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां से आप लिखेंगे आंसर सो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये था ठीक है सो यहां से लिखेंगे यहां से वेन एवर एंड ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ एंड एसेलेशन इज इन्वॉल्व दिस एसेलेन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स देयर फॉर दिस एसेलेन इज कॉल्ड एसेलेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो ये है पेज वन थर्टी फाइव सो वन थर्टी फाइव से आपको ये डेफिनेशन लिखनी है मेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टू अर्थ कभी भी ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की तरफ तो एसिलरेशन इन्वॉल्व होता है मतलब एसलेशन लगता है तो ये एसिलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है सो देअर फोर दिस एसेलरेशन इज कॉल्ड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है सो ये हम इस सेकेंड वाले के आंसर में लिखेंगे ये है पेज वन थर्टी फाइव ठीक है अच्छा हम नेक्स्ट देखेंगे सो so, नेक्स्ट है हमारा वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट सो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है मास और वेट के बीच में और फिर सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वन सिक्स इट्स वेट ऑफ वेट ऑन अर्थ वाई सो हम इन दोनों को आंसर करते हैं दीज आर द लास्ट टू ब्लू प्रिंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इसके बाद तो आपका मतलब कट ही है सिलेबस ही कट है इसके बाद से सो so, ये लास्ट दो ब्लू प्रिंट देख लेते हैं सो so, आप देख सकते हैं आंसर द आंसर इज डिफरेंस बिटवीन मास और वेट के बीच का है सो मास और वेट मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द अर्थ ठीक है सो डब्ल्यूज इक्वल टू एम जी ये पहला डिफरेंस सेकेंड है एस आई यूनिट ऑफ मास इज के जी एस आई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन ये सेकेंड डिफरेंस थर्ड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर एंड इट कैन नॉट बी जीरो हर जगह सेम रहता है और जीरो नहीं हो सकता इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती रहती है और हाँ ये कभी जीरो भी हो सकता है मास इट कैन बी मेजर्ड बाय भीम बैलेंस अच्छा व्हाट डू मीन बाय भीम बैलेंस इट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस व्हाट डू मीन बाय स्प्रिंग बैलेंस सो भीम बैलेंस का मतलब तराजू भाई आप तराजू से भी मास नाप सकते हो और वेट है स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जिससे वेट नापा जाता है मास इट हैज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड मतलब इसके पास सिर्फ वैल्यू होती है कोई डायरेक्शन नहीं और वेट है वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है मतलब ये वैक्टर क्वांटिटी है स्केलर मतलब खाली वैल्यू है कि मास इतना है वेट के पास वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी है सो इट इज अ वैक्टर सो ये स्केलर ये वैक्टर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट अच्छा अब क्वेश्चन है कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून है वो वन सिक्स क्यों है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ

सो एस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होती है सो द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज सिक्स टाइम्स मोर देन weight ऑफ सेम बॉडी ऑन मून सो सिक्स टाइम्स होती है बॉडी अर्थ पे मून के कंपेयर में सो so, इसीलिए यही कारण है सो so, पहला कारण क्या लिखोगे कि भाई जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है डिपेंड्स करता है जी पे जी A होता है डब्ल्यू की भाई डब्ल्यू का फॉर्मूला ये है सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है वो है सिक्स टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इसीलिए भाई मून का मून वन अपॉन सिक्स टाइम्स है ठीक है सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स सो विथ दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर सो आज हमने मास वेट डिस्कस करा हमने रिलेशन निकाला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड हमने ब्लू प्रिंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली विच वी हैव डिस्कस्ड एंड वाट्सएप मी द एंटायर थिंग थैंक यू